Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. आपके आने में बहुत विलंब हो गया पिताश्री। माता अभी अपने भक्त के प्रति अपना धर्म निभाने के लिए चली गईं पिताश्री। अब पुनः मेरी माँ का रूप लेकर आने में उन्हें बहुत समय लगेगा। उमा, मेरी विवशता को इतना बड़ा दंड दिया तुमने, तनिक प्रतीक्षा भी नहीं की। अब आवेश में लिया हुआ तुम्हारा ये निर्णय बहुत लंबे समय तक हमें एक दूसरे से दूर रखेगा। कैसी असहनीय दुख की ये बेला, महेश्वर महेश्वरी बिछोहा को छेला, अश्रु में समाहित है जिसके जलधि सारा, कर सकती है जल थल जिसकी एक धारा। थाम लिए शंकर के अश्रु एक दंता, विघ्न हर लिए जगत का पुनः विघ्न हरता, माता पिता के दुख से दुखी गजानन, भारी हृदय शोक संतप्त सामन। माँ पिताश्री, आप दोनों ने तो अपना धर्म निभाया, जो आपके लिए उचित था वो किया, किंतु माता पिता का अलग हो जाना संतान के लिए कितना पीड़ादायी है, इसका अनुमान भी है आपको? आपकी संतान का तो जैसे संसार ही बिखर गया। गणेश जी, हमें कुछ भी करके महादेव को उनके दुख से निकालना होगा, अन्यथा। अन्यथा क्या नंदी जी? जब माता सती का देहांत हुआ था तब भी महादेव व्याकुल और शोकाकुल हो गए थे। तांडव का रूप लिया तो पूरी सृष्टि में विनाश ही विनाश होने लगा। तब स्वयं नारायण को हस्तक्षेप करने पर विवश होना पड़ा और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की देह को 51 टुकड़ों में बांटा। इनके पृथ्वी पर आने से वहां 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। तब जाकर शांत हुए थे महादेव। मैं पिताश्री को पुनः वैसी अवस्था में नहीं जाने दे सकता। अपनी पीड़ा भूलकर मुझे माँ की अनुपस्थिति में पिताश्री का ध्यान रखना होगा। चलिए। ये पिताश्री, सब पूर्व की भांति पुनः हो जाएगा, माँ लौट आएंगी। कौन है माँ? देवताओं के पछताने का समय निकट है। मुझे डराने आए हो या मेरी सहायता करने? कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य।
तुम्हारी सहायता करने आया हूं पुत्र। अपने पिता को इस प्रकार खोना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, दुखद है। जो हो गया उसका शोक मनाने से क्या लाभ है गुरुदेव? आज्ञा दे कि अब मुझे क्या करना है। प्रतिशोध लेना है तुम्हें, देवताओं से अपने पिता की निर्मम हत्या का प्रतिशोध। अत्यंत ही आहत हूँ इस बात से कि माँ मुझे ही अपने पुत्र को नहीं पहचान रही है। मैं तो यहाँ माँ से भेंट करने आया था, किंतु अब मैं कहाँ जाऊँ? कैसे पिताश्री से माँ की पुनः भेंट करवाऊँ? पुत्र गणेश, माँ यदि तुम्हारे पिता समय पर मेरे पास पहुंच जाते तो कदाचित मैं यहाँ नहीं आती। किंतु क्यों माँ, क्या आप पिताश्री को क्षमा नहीं कर सकती? वो आपके बिना अत्यंत दुखी है माँ। क्या आप अपने इस रूप को त्याग कर पुनः नहीं लौट सकती माँ? नहीं पुत्र, क्योंकि मेरे इस रूप के पीछे एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। महादेव भक्त होने के बाद भी तुम्हारे पिता दीर्घायु न बन सके। स्मरण रहे पुत्र, स्वयं महादेव के वरदान से जन्म लेने के कारण अत्यंत बलशाली हो तुम, इसलिए देवताओं से अपने पर हुए प्रत्येक अन्याय का प्रतिशोध लेने के साथ त्रिलोक पर असुर राज भी स्थापित करना है तुम्हें। प्रतिशोध लेने में मैं कोई विलंब नहीं करूंगा गुरुदेव। तुम वीर हो, स्वयं को प्रतिशोध के लिए तैयार करो। अपने क्रोध की ज्वाला को अपने भीतर जलाए रख, स्वयं को और योग्य बनाओ। ब्रह्मदेव का तप कर ऐसी शक्तियां प्राप्त करो, देवता भी तुम्हारे सामने थर थर कांपें और तुम बन जाओ महान अजय असुर, महिषी पुत्र, महिषासुर, महिषासुर, महिषासुर। निछावर कर दो अपना बचपन, अपनी युवावस्था उस कठोर तप में पुत्र। तुम्हारे इस तप की अवधि में महेंद्र और अन्य देवताओं से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अपना प्रतिशोध लेने के लिए यदि मुझे सहस्त्रों वर्षों तक तप करना पड़े तो वो भी मैं करूंगा गुरुदेव। तुम्हारी माँ को यही रहना होगा। माँ, यहाँ आकर आपको विचलित करने की कोई इच्छा नहीं थी मेरी, किंतु जब तक आप अपने इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर कैलाश लौटेंगी बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। मेरी बाल्यावस्था तो बीत चुकी होगी माँ। पुत्र, तुम्हारे बाल अवस्था का सुख मैं भी नहीं खोना चाहती, इसलिए जब तक मैं कैलाश नहीं लौटती तब तक तुम बालक ही रहोगे। ये मेरा आशीर्वाद है कि समस्त जगत में तुम बाल गणेश के नाम से भी प्रसिद्ध रहोगे। अब तुम जाओ पुत्र, मुझे अपने इस अवतार की मर्यादा पूर्ण करने दो। मैं भी तुम्हारे और स्वामी के पास लौटने के लिए विचलित हूँ पुत्र, किंतु ये तभी संभव होगा जब मेरे इस रूप का उद्देश्य पूर्ण होगा। उस उद्देश्य का कारण बहुत ही शीघ्र सबके समक्ष आ जाएगा पुत्र। प्रतिशोध की भावना किसी भी परिस्थिति में अनुचित है, इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ये व्यक्ति को अंधकार की ओर धकेल देती है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.